हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज दिव्या अग्रवाल फ्रॉम एन अकेडमी। सो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था यू नो हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन में क्या डिफरेंस है। फिर हमने पढ़ा था व्हाट आर द फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हाइड्रोलिसिस के रेट को। फिर हमने पढ़ी थी कि एक्चुअल में कंडीशंस क्या होती हैं जो हाइड्रोलिसिस के ऊपर हम लगाते हैं, इम्पोज करते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोलिसिस हो पाता है। और फिर हमने पढ़ा था उसके बाद में कि ऑक्सी एसिड जो होते हैं उनका कैसा नेचर होता है। एक तो नॉर्मल होते हैं और एक मिक्स होते हैं। तो ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको जरूर देखें पहले, उसके बाद में इस लेक्चर पे आए। सो एंड यस अगेन, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल सो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एज बिकॉज यू नो दैट दिस ईयर आई एम रियली डेडिकेटेड टू प्रोवाइड डेली वीडियोज फॉर यू ऑल सो एज टू इम्प्रूव योर सब्जेक्ट नॉलेज एंड हेल्प यू क्रैक इन मेनी एंट्रेंस एग्जाम्स। ओके सो गाइज, हाइड्रोलिसिस ऑफ केजेस के ऊपर आज थोड़ी बात करते हैं हम लोग। ओके तो अब इसका मतलब क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ केजेस का मतलब क्या है, केजेस मतलब क्या। तो केजेस बेसिकली फ्रेंड्स सिर्फ एक यू नो साइक्लिक फॉर्म्स हैं। जैसे कि इफ यू रिमेम्बर, मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कल भी, P4O10, और इसको हमने देखा था कि यू नो कैसे ये चीज यू नो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। तो हमें पता चला था कि हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज को लिखते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसका प्रोडक्ट बना देते हैं। तो अब इसको हमेशा उस तरह से सॉल्व करना सही नहीं है, क्योंकि इसमें ना अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि इसमें कितने ऑक्सी लिंकेजेस हैं, कितने ऑक्सी लिंकेज हैं, इस तरह का एक सवाल आ जाता है इसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। दूसरे तरह का सवाल इसमें आता है, इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल लगे हाइड्रोलिसिस करते वक्त। तीसरा जो सवाल इसमें आ जाता है वो आ जाता है कि इसमें कितने पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड्स हैं। फिर चौथा सवाल इसमें आ जाता है कि इसको हाइड्रोलाइज करते वक्त कितने अलग अलग तरह के ऑक्सी एसिड प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, कितने अलग अलग तरह के डिफरेंट ऑक्सी एसिड्स कितने प्रोड्यूस हो सकते हैं इसको हाइड्रोलाइज करते वक्त। ओके, ये सवाल आ सकता है। फिर उसके अलावा कि पांचवा सवाल आ सकता है कि साइड मतलब प्रोडक्ट जब बनेगा तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स यू नो प्रोड्यूस होंगे। तो ये सारे सवालों का जवाब सही से देने के लिए हमें पता होना चाहिए इसके बारे में, इसका स्ट्रक्चर। तो चलो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो देखो जैसे फॉस्फरस P4O10 है, आपको पता है P4O10 है, तो बहुत ही बेहद खूबसूरत इसका स्ट्रक्चर है, केज टाइप का दिखता है ना फॉस्फोरस। आप पहले तो काइट टाइप्स कुछ बना दीजिए इस तरह से, और उसके बाद में आपको यहाँ पे ऑक्सीजन इंसर्ट कर दे रहा है ना, आप ऑक्सीजन इंसर्ट कर देंगे पीओपी बॉन्ड्स, और उसके बाद में यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा दो। ओके, इस तरह से डबल बॉन्ड ओ लगा दो, और फिर इन सभी लिंकेजेस को हर एक पी के बीच में एक ऑक्सीजन है, इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर दो। ठीक है, और हर पी को कनेक्ट करना है मतलब यहाँ पे भी कनेक्शन होगा और यहाँ पे भी कनेक्शन होगा, तो ये बन गया। ऑल्दो मैंने खूबसूरत नहीं बनाया, बट आप इससे बेटर बना सकते हो, राइट? तो ये आपका स्ट्रक्चर है जो कि P4O10 का होता है। अब हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, बेसिकली इसमें हम एक एक करके पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब हम इसको हाइड्रोलाइज करने जाएंगे, आपको पता है पीओपी जो बॉन्ड है इसको हम प्यार से ऑक्सी लिंकेज बोलते हैं, है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल ऑक्सी लिंकेज। अब यार जब आप इसको पानी पिलाओगे तो पानी कैसा होगा, पानी इस तरह से होता है, पोलैरिटी इस तरह से होगी, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, एंड दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल नेगेटिव। तो बट ऑब्वियस है, एक इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक पानी का मॉलिक्यूल लगेगा। तो अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूंगी तो मुझे यहाँ पे H और यहाँ पे OH देना पड़ेगा। इसको भी अगर मैं यहाँ से ब्रेक करना चाहूंगी तो यहाँ पे OH और यहाँ पे H आएगा। सिमिलरली मैं इसको भी ब्रेक करना चाहूंगी तो यहाँ पे OH और यहाँ पे H आएगा। तो इस तरह से ब्रेक करने से मुझे क्या पता चला, मुझे पता चला कि ये जो चीज बनी, ये जो चीज आपको दिख रही है, ये कैसे दिखती है, P डबल बॉन्ड O O H O H एंड O H, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ओके, दिस इज H3PO4। तो अगर एक फॉस्फोरस के हाइड्रोलिसिस करने से एक H3PO4 बन रहा है, तो यहाँ पे कितने हैं ऐसे, चार हैं टोटल मिला के। तो यानी कि इसमें चार H3PO4 लगने वाले हैं। इस बात से तो कोई बात में इस बात में तो आई थिंक कोई क्लियर कोई डाउट नहीं होगा। अब हमें पता है कि एक ऑक्सी लिंकेज
एक ऑक्सी लिंकेज को ब्रेक करने में कितना पानी लग रहा है, एक ऑक्सी लिंकेज को ब्रेक करने में एक पानी लग रहा है, तो काउंट कर लो कितने ऑक्सी लिंकेजेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, तो टोटल टोटल यहाँ पे 6 ऑक्सी लिंकेज है, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे टोटल 6 ऑक्सी लिंकेज है, तो 6 ऑक्सी लिंकेज होने की वजह से टोटल आपका जो पानी है वो कितना लगने वाला है, 6 यूनिट्स लगेंगे। तो बात समझ पाए आप मेरी, तो इसलिए अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखना चाहूँ तो P4O10 को अगर हम पिलाएं 6 मोल्स 6 पानी, तो इससे मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4H3PO4 मिलेगा। तो अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसमें कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। पहला सवाल आ सकता है कि इसमें कितने पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड्स हैं, दूसरा सवाल आ सकता है इसमें कितने ऑक्सी लिंकेजेस हैं, तीसरा सवाल आ सकता है कि इसको ब्रेक करने में टोटल पानी कितना लगेगा, तो टोटल इसमें 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं, ओके। और ये भी आ सकता है कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कितना अमाउंट बनेगा, तो 4H3PO4 बनेगा, बट ऑब्वियस है, ओके। तो ये सवाल तो बेहद आसान था, बहुत आसान था। अब इसी सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट डालने के लिए, अभी तो मैंने आपको कट शॉर्ट से बताया कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, अब हम एक इसी का इसी से काफी जुड़ा हुआ सवाल करेंगे जिसमें सेम क्वेश्चन है बट लैंग्वेज डिफरेंट है। तो चलो उस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी, ये नैट में आया था, ओके, नैट समझते हो आप, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, ओके, ऑप्शन नहीं होते इसमें, ऑल्दो आई विल गिव यू ऑप्शंस। तो हाउ मेनी ऑक्सी एसिड्स आर पॉसिबल इफ यू हाइड्रोलाइज P4O10, ओके, P4O10 को अगर आप हाइड्रोलाइज करने जाओगे तो कितने ऑक्सी एसिड्स पॉसिबल है। तो अगर आप ऑक्सी एसिड्स की बात करोगे तो यार हमने पीछे देख लिया, आपको लगेगा यार ये तो बहुत ही आसान सवाल है, हमने देखा कि इसमें तो एक ही तरह का फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, बन गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम नैट में लिखेंगे 1 और हमारे आंसर आ जाएगा 0, मतलब मार्क्स आ जाएंगे 0, तो रियलिटी में 1 नहीं होता, ठीक है। देखो देखते हैं इसमें ऑप्शन जो था, मतलब जो है वो है 1, 2, 3, 4, 5 and 6, तो ये हमारे ऑप्शंस मान लो आप अभी ऐसी रैंडम मान लो, ओके, तो ये हमारे ऑप्शंस हैं, तो इनमें से एक करेक्ट है। तो इसमें क्योंकि सवाल पूछा है कि कितने पॉसिबल समझते हो आप, मतलब जब हम ऑक्सी एसिड उस केज को ब्रेक कर रहे हैं तो कितने ऑक्सी एसिड उसमें प्रोड्यूस हो सकते हैं, वो बात हमें इस पर्टिकुलर चीज में समझनी है, ठीक है। आपको हर वीडियो में बस कॉन्सेप्ट सीखना है, ओके, क्वेश्चंस तो आप प्रैक्टिस करोगे ही, ऑब्वियसली आपके पास काफी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, राइट, तो आप उनको प्रैक्टिस करते रहो, आप बस कॉन्सेप्ट सीखो कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो देखो अब ये जो चीज है बेसिकली जो मैंने लिखी, इसके लिए मैं सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर मुझे दोबारा रीड्रॉ करना पड़ेगा, ओके, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा कि मैं इसको इतने ड्रॉ करूंगी, या फिर आप इसको फॉरवर्ड फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, यूट्यूब में वैसे फायदा है यार, आप लोग अगर लाइव नहीं हो तो आप इसको फॉरवर्ड करके फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, ओके, बट मैं एक सजेशन दूंगी, फास्ट फॉरवर्ड करके क्या होता है ना, आपका माइंड अडेप्ट नहीं कर पाता चीजों को इतना ज्यादा जितना नॉर्मल मोड पे करता है, ओके, तो ये चीज आपकी बनी। अब देखो ये जो हमारा कंपाउंड बना, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में मैंने आपको बोला कि कितने पॉसिबल P4O10 बनेंगे, अब ना मुझे लगने वाला है इसमें टाइम, पता है, क्योंकि मुझे एक एक स्ट्रक्चर को तोड़ तोड़ के दिखाना पड़ेगा, तो मेरे को इसको बार बार ब्रेक करना पड़ेगा। तो देखो एक तो मैं इसको कैसे ब्रेक कर सकती हूँ, मैं यहां से ब्रेक कर सकती हूँ, ठीक है, यहां से ब्रेक कर सकती हूँ, तो जब मैं यहां से ब्रेक करूंगी तो यार यहां पे OH और यहां पे H आएगा, तो ऐसा बनने के बाद में मैं लिखूं यहां पे, यहां लिख देती हूं, तो वहां पे मेरा शायद फोटोग्राफ होगी, तो इस तरह से लिखते हैं P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर से ऑक्सीजन, फिर फॉस्फोरस, फिर ऑक्सीजन, फिर से फॉस्फोरस, फिर ऑक्सीजन, फिर से फॉस्फोरस, एंड इतने मैं लिख रही हूँ ना यार, आप भी लिख लिया करो, अगर आपको बोरियत फील हो रही है तो आप भी लिख सकते हो, है ना, मीन वाइल मैं लिख रही हूँ आप भी लिखो, तो इस तरह से कुछ बनेगा। अब देखो यार जब हमने एक बॉन्ड को ब्रेक किया तो यहाँ पे OH आया, यहाँ पे H आया, तो ये एक तरह का फॉस्फोरिक एसिड बना जिसका नाम है साइक्लिक टेट्रा पायरो फॉस्फोरिक एसिड, फाइन, ओके, एक तो ये ब्रेक हुआ। दूसरा कैसे ब्रेक कर सकता है,
एक तो ये चीज बनी, ओके, एक तो ये बन गया, ठीक है, ओके फाइन। अब इसको मैं वन नंबर लिख देती हूँ, दिस इज वन, ओके। दूसरा क्या हो सकता है, ये ब्रेक यहां से हुआ ना, दूसरा कहां से ब्रेक कर सकता है, ये यहां से ब्रेक कर सकता है ना। मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट। सी, यहां से इस तरह से आपने ब्रेक किया, ठीक है। अब अगर यहां से ब्रेक करोगे तो बट ऑब्वियस यहाँ पे ओ एच और यहाँ पे एच आएगा, मतलब अब यहाँ नहीं मैं बोल रही हूँ, उसको यहाँ ब्रेक करना है ना, ये हमारा सेकेंड है, तो यहाँ पे ओ एच और यहाँ पे एच आने वाला है, तो दिस इज ए। अब इससे बी ना मैं इधर बना रही हूँ, यहाँ कहीं पे, यहाँ बना देती हूँ ऊपर, ठीक है। तो देखो, पी डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, पी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन, पी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन, पी डबल बॉन्ड ओ, एंड देन इस तरह से कनेक्टेड है। अब क्या हुआ यार, देखो यहाँ पे ओ एच ऑलरेडी था, यहाँ पे आपका ओ एच ऑलरेडी आ गया था, सिमिलरली यहाँ पे भी तो यही होगा, जो बॉन्ड ब्रेक हुआ उसको मैं डिफरेंट कलर से शो कर देती हूँ, यहाँ पे भी तो यही होने वाला है, यहाँ पे ओ एच आ जाएगा, यहाँ पे ओ एच आ जाएगा, तो ये हमारा दूसरा एसिड बना जिसको हम बी बोल देते हैं। अब इसका नाम क्या होगा, दिस इज अ टेट्रामर ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड, दिस इज अ टेट्रामर, टेट्रामर ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, अब मैं ऐसे कट शॉर्ट में लिख रही हूँ, प्लीज बेयर इट, ओके। तो ये ए है, ये बी है, दो बने। अब इसको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं, तो चलो कर देते हैं। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो मान लो मैंने यहां से कर दिया, ठीक है, यहां से करूंगी तो इधर ओ एच आ जाएगा और इधर एच आएगा, तो देखो मैं इसको थोड़ा सा, मतलब जगह की कमी है तो मैं नेक्स्ट पेज में लेके जाऊंगी, बट एक यहां मैं बना सकती हूँ, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई मार्कर एज वेल। सो देखो यहां से अगर मैं ब्रेक करूंगी तो ये यहां से ऐसे करके ओपन हो जाएगा, तो मैं इसको स्ट्रेट चेन में लिख सकती हूँ क्या, पी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन, पी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन, पी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन एंड पी डबल बॉन्ड ओ, चार फॉस्फोरस थे लगा दो, ओके, इस तरह से हमने बनाया, तो ये हमारा बना प्रोडक्ट, ओके, इस तरह से बना। अब इसको क्या बोलेंगे, दिस इज अ टेट्रा पायरो फॉस्फोरिक एसिड, टेट्रा पायरो फॉस्फोरिक एसिड, तो दिस इज सी, दिस इज नंबर थर्ड, तो एक दो तीन, तीन तो बन गए, आगे भी बन सकता है क्या, बिल्कुल। अब यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकती हैं ब्रेक करने की, ओके, दो कंडीशंस हो सकती हैं, कैसे, या तो ये यहां से टूटे, यहां से टूटेगा तो ओ एच और एच दो यहां बन जाएंगे, एक तो ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, ठीक है। और दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये यहां से ब्रेक जाए, ब्रेक हो जाए, यहां से ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे एच आएगा, तो दो फॉस्फोरस की यूनिट्स वाले दो मिल जाएंगे, मतलब एक रेड वाला मिलेगा, क्या हो गया था, ए बी, इसको सी बोल देते हैं, सी, ओके, दिस इज डी, ओके, सी डी, एंड देन यहां से ई, इस तरह से तो बनेगा, आई होप मैंने कुछ गलत नहीं किया, ओके, या दिस इज ई, तो आपके इस तरह से बने। अब ये तो दो बने, तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, छह, क्या आप मेरी बात समझ पाए, चलो नेक्स्ट पेज में बता देती हूँ, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो, चलो नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा पूरा का पूरा मतलब बना देती हूँ, मैंने क्या बोला आपको, पी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे भी ओ एच, यहाँ पे ऑक्सीजन, पी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन, पी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन, पी डबल बॉन्ड ओ एंड देन ओ एच, यहाँ पे भी ओ एच, यहाँ पे ओ एच और यहाँ पे ओ एच, मैंने क्या बोला, इसमें दो तरह से क्लीवेज हो सकता है, एक तो कैसे हो सकता है, एक तो ऐसे करके ब्रेक हो सकता है ये, है ना, यहाँ पे ओ एच और यहाँ पे एच आ जाए तो मुझे क्या मिलेगा, पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच ओ एच एंड साथ में एक ही थ्री मेंबर वाला मिल जाएगा, पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच ऑक्सीजन, पी डबल बॉन्ड ओ एच ऑक्सीजन, पी डबल बॉन्ड ओ एच एंड देन ओ एच, ठीक है। अब ऐसा मिल सकता है, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ कि इस चीज को फर्दर कैसे ब्रेक कर सकती हूँ, यहां से भी तो ब्रेक कर सकती हूँ, तो यहाँ पे ओ एच और यहाँ पे एच आ जाएगा, समझ पा रहे हो, तो मुझे सेकेंड क्लीवेज से क्या मिलेगा, मुझे दो ये मिलेंगे, पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच ओ, पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच एंड देन ओ एच, आप मेरी बात समझ पा रहे हो, जिसको हम बोलते हैं पायरो फॉस्फोरिक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं थ्री वाले को, ट्राई पायरो, मैं लिख देती हूँ ढंग से, ट्राई पायरो फॉस्फोरिक एसिड, इसको क्या बोलेंगे,
ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड. तो क्या हुआ, 1 2 3 पीछे इसको क्या था, 4, दिस वन वॉज 5 एंड दिस वन वॉज 6. तो टोटल आंसर इसका है 6. क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो कितने पॉसिबल ऑक्सी एसिड्स हैं जब इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है? हाइड्रोलिसिस के दौरान H4 P4 10 के कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं? तो 6 बन सकते हैं. आपने बिल्कुल देख लिया. तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी एंड कोई इश्यू नहीं होगा. एक और सवाल करते हैं, ठीक है? सो एक और क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं. ओके चलो, तो आई होप समझ में आ गया होगा. कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. ओके एंड यस, ये जो नोट्स हैं, अगर आप नहीं लिखना चाह रहे हो तो आप उसको जो नीचे लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम और व्हाट्सएप, वहां पे मैसेज कर देना, आपको प्रोवाइड हो जाएंगे. ठीक है चलो, तो एक सवाल लिखते हैं और P4O9 को करके देखते हैं यार कि कैसे बनेगा. ठीक है, तो सबसे पहले तो P4O9 को बनाने के लिए आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. तो कैसा दिखेगा, पी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे एक और फॉस्फरस, फिर डबल बॉन्ड ओ, फिर एक और ऑक्सीजन, सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन, फॉस्फरस, डबल बॉन्ड ओ, एक और ऑक्सीजन. अब यार यहाँ पे ना एक ऑक्सीजन आपका क्या है, कम है, तो क्योंकि एक ऑक्सीजन कम है तो एक डबल बॉन्ड ओ को मत बनाओ. एक डबल बॉन्ड ओ को मत बनाओ. तो इसमें क्या सवाल आ सकता है, इसमें वही चीज कि कितने ऑक्सी लिंकेजेस हैं, तो कितने देखते हैं, 6. ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड देन 6. तो टोटल 6 ऑक्सी लिंकेजेस हैं. ठीक है, इसको ब्रेक करने के लिए कितना, पीओपी को ब्रेक करने के लिए कितना पानी लगता है, ये तो बात समझ पा रहे हो ना? अगर मुझे इसको ब्रेक करना है तो कितना पानी लगेगा, यहाँ पे एच एंड यहाँ पे OH हम लगाने वाले हैं, तो इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे एच आएगा. ठीक है, अब ऐसे अगर हो रहा है तो कितना चाहिए, यहाँ पे एक और OH, H, फिर यहाँ से करेंगे तो OH, बिल्कुल सेम कहानी है. तो हम कहेंगे 1 से 2 से और इन तीनों से तो मिलने वाले हैं मुझे 3 moles ऑफ H3PO4. ये तो बात बिल्कुल सही है. ठीक है, बट इस नीचे वाले से क्या मिलेगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे H, यहाँ से ब्रेक करेंगे तो इधर OH और यहाँ पे H. तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा H3PO3. बात समझ पा रहे हो? तो पानी का अमाउंट तो 6 ही लग रहा है, बट अगर हम P4O9 को पानी पिलाएंगे तो कितना पानी पिएगा, 6 moles. पर प्रोडक्ट क्या बनाएगा, 3 moles तो H3PO4 के बनाने वाला है और 1 mole H3PO3 के बनाने वाला है. तो आई होप यू आर गेटिंग दिस. तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, एक और करते हैं, सल्फर वाला करते हैं. ठीक है, फिर आपको आई होप क्लियर हो गया होगा. ठीक है, नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन. तो एक क्वेश्चन ऐसा कुछ है, सल्फर के साथ एक एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, P4S10 है फॉर एग्जांपल. तो इसका कैसे करना है, तो यार ये बिल्कुल सेम है ऑक्सीजन के जैसा, बस इसमें क्या है ना, आपको सल्फर को बना देना है. ठीक है, तो लो पी, यहाँ पे जहां जहां पे पहले तो कोई काइट की तरह बना दो. ठीक है, बना दिया, ओके फाइन. अब जहां जहां पे ऑक्सीजन था वहां वहां पे आपको क्या करना है, वहां वहां पे आप सल्फर लगा दोगे. इस तरह से लगा दिया आपने सल्फर, ओके. तो इस तरह से आपने सल्फर लगा दिया. अब हर जगह पे डबल बॉन्ड सल्फर, डबल बॉन्ड सल्फर, डबल बॉन्ड सल्फर एंड डबल बॉन्ड सल्फर लगाया, फाइन. तो टोटल नंबर ऑफ सल्फर कितने हैं, 10 हमने लगा दिए. तो अब यार अगर हम इसको ब्रेक करें तो PSP बॉन्ड है ना, इसको अगर हम पानी देंगे, इसको अगर हम पानी देंगे तो यहां से पानी देंगे, ऑब्वियस है यहाँ पे OH, यहाँ पे H आने वाला है. पर ये यहीं से टूटेगा ऐसा नहीं है, PSH बन के नहीं रहता. मतलब ऐसा नहीं है कि P डबल बॉन्ड S और यहाँ पे हमको SH, SH या SH ऐसा कुछ मिलेगा कि हम सोचें कि H3PS4 मिलेगा प्रोडक्ट. बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि PS से बेटर PO का बॉन्ड होता है. तो पानी में अगर जाएगा तो सल्फर को रिप्लेस करेगा ऑक्सीजन से, तो PO बनेगा. मतलब यहाँ पे मुझे मिलेगा H3PO4 as the product. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझको इसके बगल वाले सल्फर को भी ब्रेक करना पड़ेगा. समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? समझ पा रहे हो ना? ठीक है, तो मुझे इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा, इसको भी ब्रेक करूंगी तो यहाँ पे H और यहाँ पे OH आपको दिख रहा है. कौन बन गया, दिस इज H2S गैस है ना, दिस इज H2S. तो मतलब ये दो
तीन चार पाँच छ, एक पीएसपी को, एक पीएसपी को तोड़ने के लिए मुझको दो पानी लग रहे हैं, तो छ पीएसपी को तोड़ने के लिए मुझको कितना पानी लगेगा? 12 पानी लगाना पड़ेगा ना, तो इसको मुझे 12 टोटल वाटर लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो 12 पानी मुझको पीएसपी बॉन्ड तोड़ने के लिए चाहिए, पहली बात तो ये। अब दूसरी जो बात है वो कुछ और कहती है, क्या कहती है चलो सुनते हैं। तो अब ये जो पीएस है इसको भी तो तोड़ना पड़ेगा आपको, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसको ब्रेक करोगे तो इसको दो हाइड्रोजन चाहिए, इसको ऑक्सीजन चाहिए, पानी तो एक देना पड़ेगा, मतलब इसको मुझे एक पानी से काम बन जाएगा। इसको भी देना पड़ेगा, इसको भी देना पड़ेगा, इसको भी देना पड़ेगा, मतलब अगर मुझको पी डबल बॉन्ड एस बॉन्ड को तोड़ना है तो एक पानी लगता है। तो ऐसे पी एस पी, पी डबल बॉन्ड एस बॉन्ड कितने हैं? चार हैं, तो पानी कितना लगेगा? चार लगेगा। तो 12 पानी तो पी ओ पी तोड़ने में लगा और चार पानी पी डबल बॉन्ड एस तोड़ने में लगा, तो टोटल मिला के कितना पानी लगेगा? 12 + 4 = 16। तो 12 + 4 = 16 पानी ओवरऑल लगेगा। मिलेगा क्या? वही मिलेगा जो पीछे मिलता आ रहा था, दैट इज H3PO4 के चार यूनिट्स मिलेंगे। चार है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, तो अब इसका जो प्रोडक्ट है मैं सबसे ऊपर हाईलाइट करके लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्या था? P4S10 को अगर हम पिलाते हैं 16 पानी, तो इससे वो हमको सीधा सीधा दे देगा 4 मोल्स ऑफ H3PO4, और साथ में क्या निकलेगी? H2S गैस निकलेगी। कितनी निकलेगी? सल्फर कितने हैं? 10 है ना, आई एम सॉरी, तो सल्फर कितने हैं? 10। तो टोटल कितने निकलेंगे? 10। ओके, तो 10 H2S मिल जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑन डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस। तो मैंने आपको इस वीडियो में काफी अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट बताए कि कैसे आप इन क्वेश्चंस में ऑक्सी लिंकेज फाइंड कर सकते हो, पी डबल बॉन्ड ओ, पी डबल बॉन्ड एस, वाटर का कितना पानी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सी एसिड कौन कौन से हो सकते हैं, प्रोडक्ट कौन से मिल सकते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर को ध्यान देना है, उसके बाद में फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ के आप इस तरह के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बहुत ज्यादा फेवरेट होते हैं। ओके, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर ऑक्सी एसिड्स, नॉट ओनली इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर हम बचपन की बात करें ना बोर्ड्स की, तो वहां पर भी ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। चलो, सो गाइज ये मेरी क्लास, मतलब ये टॉपिक था, कवर हो चुका है। तो अभी कल को फिर मिलेंगे आपसे दूसरे टॉपिक के साथ में। आप नोट्स की चिंता मत करना, ये जो पीडीएफ है ये आपको मेरे नीचे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक है वहां पे मिल जाएगा, आप जाके मतलब क्लिक कर लेना या मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। ओके, एंड यस, सो एज यू नो दैट आई एम एन एजुकेटर ऑन अन अकेडमी। ओके, सो दिस इज माई प्रोफाइल ऑन अन अकेडमी, जहाँ पे मैं पढ़ा के रही हूँ। अब यहाँ पे आने के लिए आपको क्या करना है? ये anacademy.com@agarwaldivya ऐसे जाओ, या फिर anacademy.com पे जाओगे तो भी मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा। तो आई टीच इन द कैटेगरी IIT जैम, जहाँ पे एट प्रेजेंट जुलाई में मैं क्या पढ़ा रही हूँ? मैं पढ़ा रही हूँ बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और अगस्त से स्टार्ट होने वाला है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। ओके, अब होता क्या है, क्लासेस किस तरह से होती हैं? आपको देखो एक पैटर्न है अनअकैडमी का ना, कैसा होता है कि चार लेसन होते हैं, तीन लेसन होते हैं, उसके बाद में चौथा लेसन डाउट क्लियरिंग लेसन होता है, फिर उसके वीक में लास्ट में जो चीज होती है वो आपका वीकली क्विज लग जाता है ना हर उसमें। ये वाला एक्चुअली शॉर्ट कोर्स है, उसमें 10 क्लासेस हैं, तो एक मेगा क्विज लास्ट में लगा है। बाकी हर फोर्थ क्विज आपका, फोर्थ लेक्चर आपका वो होता है डाउट क्लियरिंग, और फिर सेवेंथ डे आपका क्विज होता है। जैसे कि मैं कोऑर्डिनेशन में बता सकती हूँ क्योंकि ये लेंथी कोर्स है, तो देखो 12, 13, 14 आपको 15th को डाउट क्लियरिंग सेशन है, फिर 16, 17 यहाँ पे वीकली क्विज आ गया आपका, है ना। फिर ऐसे आपका हर वीक चलता है, तो ये कोर्स चलता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ, एंड देन मेगा क्विज आपको मिल जाएगा अल्टीमेटली। तो दिस इज हाउ आर लेक्चर्स आर यू नो इस तरह से ये लॉन्च होते हैं। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, एंड यस, उसके अलावा सिर्फ ये ही नहीं है, मैं काफी सारे टॉपिक्स कवर कर चुकी हूँ जो आप मेरे प्रोफाइल में आओगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स मैं कवर कर चुकी हूँ, कोर्सेज ऑलरेडी बने हुए हैं, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में प्रेजेंट है, तो आप जाके सर्व कर सकते हो। ओके,
एंड येस अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट। एंड स्पेशल क्लासेस मेरी हर रोज होती है रात को 9:30 बजे। एंड एक अनअकैडमी का चैनल है यूट्यूब चैनल जिसमें रोज रात को 9 बजे एक मेरी क्लास होती है, तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो उसका डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स गिवन है। एंड येस नॉट लास्ट बट नॉट लीस्ट आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माई स्टूडेंट्स फॉर गिविंग लॉट्स ऑफ डेडिकेशंस and appreciation. So I would like to thank all of you for being with me throughout in my classes. And milte hain aapse. And yes, if you are new to this channel and if you are you know agar aapne abhi tak nahi subscribe kiya channel ko to zarur channel ko subscribe kare and main aapse roz milungi. Theek hai, isi lecture mein jahan hum padhenge chemistry ke kafi sare facts and yes kuch motivation lectures ke sath mein har monday ko. Okay, chalo, thank you so much for being with me. Take care, bye bye, see you.